मेरी हिम्मत को कम मत आंको, मैं वो हूँ जो टूटे धागों को जोड़कर ख्वाब बुन लेता हूँ, ख्वाब बुन लेता हूँ। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, ना हारूंगा उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, हम भारतीय संविधान निर्माण की कहानी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर संविधान सभा का गठन, प्रारूप समिति का गठन देखा था। उसी क्रम में आज हम आगे बात करेंगे किस तरीके से संविधान सभा का पुनर्गठन भी होता है। देखो साथियों, संविधान सभा 389 सदस्य कुल थे इसके अंदर, जब कैबिनेट मिशन योजना ने बनाई थी संविधान सभा। लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन हुआ 14-15 अगस्त 1947, उसके बाद विभाजन के बाद 324 सदस्य रह गए संविधान सभा में, जिसमें 235 निर्वाचित होंगे और 89 मनोनीत होंगे देसी रियासतों से। जबकि उसके बाद पुनर्गठन किया जाता है, उसके बाद आजादी के बाद हम देखेंगे कि प्रथम बैठक आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम बैठक होगी उसमें 299 उपस्थित होंगे सदस्य, जो कि 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई थी आजादी के बाद, विभाजन के बाद। और इस बैठक में कितने थे, 299 सदस्य ही उपस्थित हुए थे, जिसमें 229 तो निर्वाचित कह सकते हैं प्रांतों और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और वहीं 70 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत और निर्वाचित होकर आएंगे। और उसके बाद में जो अंतिम बैठक होगी वह अंतिम अधिवेशन होगा, कौन सा, 12वां, क्योंकि कुल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के, तो अंतिम बैठक या अंतिम अधिवेशन जो कि 12वां 24 जनवरी 1950 को हुआ, उसमें 284 सदस्य उपस्थित होकर हस्ताक्षर किए संविधान की प्रति पर। और संविधान की कितनी प्रतियां, 3 प्रतियां थी साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान में रखना है, जो कि आपको कुल सदस्य संख्या, विभाजन के बाद कितने बचे, विभाजन के बाद पहली बैठक में कितने आए और अंत में हस्ताक्षर कितनों ने किया, ये 4 संख्या जरूर तैयार कर लेना संविधान सभा के। उसके बाद में आप देखोगे भारतीय संविधान का पहले प्रारूप तैयार किया था डॉक्टर बीएम राव के द्वारा, उस प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां बनाई गई थी। उसके बाद में प्रारूप समिति उस प्रारूप की जांच करती है जो बीएन राव ने बनाया था, जो कि इस प्रारूप समिति की कुल 141 दिन बैठ के हुई थी। और उसके बाद में 21 फरवरी 1948 को संविधान सौंपा गया संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उस समय उसके अंदर 315 अनुच्छेद बनाए गए थे और 8 अनुसूचियां जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के द्वारा संविधान बनाया था उसके अंदर 315 तो अनुच्छेद होंगे साथियों, 8 अनुसूचियां। लेकिन अंत में जैसे ही संविधान बनकर के तैयार हो जाता है और उसे लागू करने की बात होती है, उस समय अंतिम बैठक के समय आप कैसे, भारतीय संविधान के अंदर 395 तो अनुच्छेद बनाए गए, 22 भाग बनाए गए, 8 अनुसूचियां बनाई गई थी उस समय। लेकिन अनुसूचियों की संख्या अब बढ़कर के कितनी हो गई, 12 हो गई है, जबकि अनुच्छेद उस समय भी 395 और वर्तमान में भी 395, भाग उस समय भी 22 थे और वर्तमान में भी 22 है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो,
उस प्रारूप जो प्रारूप समिति ने प्रारूप बना के दिया ना अध्यक्ष को, उसके ऊपर 114 दिन तक बहस हुई थी, हर मुद्दे के ऊपर बहस थी, लेकिन व्यस्त मताधिकार के ऊपर कम बहस हुई, ये मानो नहीं हुई थी, और सभी मुद्दों पे भी मूल अधिकारों पर सबसे ज्यादा हुई थी। उसका भी छठा अधिवेशन 27 जनवरी 1948 को, उसके अंदर बंगाल व पंजाब के प्रतिनिधियों पर विचार किया पुनर्गठन के लिए, जो कि ये एक ही दिन हुई थी अधिवेशन, एक बैठक कह दो या एक ही अधिवेशन, एक दिन का सबसे छोटा अधिवेशन, छठा अधिवेशन जो एक दिन हुआ था, और लास्ट वाला 24 जनवरी वाला भी एक ही दिन होगा, जो कि एक दिन का ही अधिवेशन माना जाएगा। 27 जनवरी 1948 वाला छठा अधिवेशन और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 वाला। उसके बाद भी कुल 12 अधिवेशन हुए थे, संविधान का निर्माण 11 अधिवेशनों में हुआ था और 167 बैठकें हुई थी, क्योंकि 25 नवंबर 1949 को अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि आज 165वीं बैठक, और उसके बाद में अगले दिन 26 को 166वीं, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, तो कितनी हो गई 167 बैठकें हुई थी। इस बात को नोट कर लेना, संविधान का 3 बार वाचन या पाठन हुआ था, पढ़ करके सुनाया गया था। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, जो कि सबसे छोटा वाचन होगा, सबसे कम समय तक। उसके आगे नंबर 2 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन या पाठन हुआ। नंबर 3 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन हुआ था, और कहा जाता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन वाचक करता थे उस समय। तो ये 3 वाचन की डेट भी तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। कितने वाचन हुए साथियों? 3 वाचन हुए थे, 3 बार भारतीय संविधान को पढ़ करके सुनाया गया था, और अंत में तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया भारतीय संविधान, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, कुल 1084 दिन, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे भारतीय संविधान को बनाने में, जबकि संविधान सभा अस्तित्व में रहेगी 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक, तो सभा अस्तित्व में रहेगी 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन, क्योंकि साथियों आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में थी, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, जबकि ये पूछा जाए संविधान बन करके कितने समय में हुआ, तो याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, जो कि प्यारे विद्यार्थियों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया, और इसी 26 नवंबर को विधि या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मोदी सरकार ने 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया, क्योंकि 2015 में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी, तब ये घोषणा की गई थी कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इस दिन 15 अनुच्छेद लागू किए थे, जो कि अनुच्छेद 394 में ये बात लिखी, तो दोनों मिलके हो गए कुल 16। इसके ऊपर हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसी बीच आप देख सकते हो 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बन सकता है साथियों, इसे भी तैयार कर लेना। जो कि दसवां, कौन सा होगा, दसवां अधिवेशन होगा, उसके अंदर ये मानो कि हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। एक अति महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि प्रारूप समिति ने जो प्रारूप बनाया था ना, उसके अंदर केवल इंडिया शब्द था, भारत नहीं। बाद में बहस के बाद भारत शब्द जोड़ा गया था इसके अंदर, इस बात को भी नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने बात की संविधान सभा के सदस्यों की। प्रारंभ में कुल कितने, 389। विभाजन के बाद कितने बचे, 324। उसके बाद में पुनर्गठन के बाद पहली बैठक होती है आजादी और विभाजन के बाद, उस समय कितने उपस्थित हुए, 299। और अंतिम बैठक के अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को कितने उपस्थित होकर के संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, 284। ज्यादा महत्वपूर्ण साथियों ये है और एक ये है, लेकिन ये भी पूछी जा सकती है। उसके बाद में हमने बात की प्रारूप में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, प्रारूप समिति ने जो संशोधित प्रारूप बनाया उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, और अंत में भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ उस समय कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी, जो कि अनुसूचियां बढ़ करके 12 हो गई है। और तीन वाचन हमने देखे, छठा और बारहवां अधिवेशन मात्र एक एक दिन का हुआ था, सबसे छोटा अधिवेशन कहा जा सकता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में आगे की कहानी को लेकर के, क्योंकि हम बात करेंगे 26 नवंबर 1949 को कौन से 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू किए गए, और उसके बाद में संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत को एक गणतंत्र राज्य घोषित किया गया, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। जनगणमन और वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत के रूप में। ठीक है साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, ये वीडियो आपको बढ़िया लगा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। ठीक है साथियों, इसी के साथ धन्यवाद।